ब्यावरा क्षेत्र के सुठालिया में कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगे के प्रथम नगर आगमन पर ग्रामीणों ने उनका आतिशबाजी कर स्वागत किया। विधायक ने भी ग्रामीणों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सुठालिया की जनता को जो प्यार मिला उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। वे चुनाव जीतने के 61वें दिन बाद सुठालिया पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण किया। समस्याओं को सुनने के लिए सुठालिया में ऑफिस खोला गया। इसमें वह प्रत्येक शुक्रवार को सुठालिया आकर लोगों की समस्या दूर करेंगे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगे और जनपद अध्यक्ष टोड़ी बना और विश्वनाथ दांगे भी मौजूद थे। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। और भी कोई मुद्दे हो, चाहे सड़क पे बैठने की बात आई तो सड़क पे भी बैठे, चक्का जाम भी किया, किसानों की लड़ाई लड़ी, पर सुठालिया के लिए कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। कई समय से हम लोग सभी पार्टी के लोग सब मिलकर के हम संघर्ष कर रहे थे और इतने संघर्ष के बाद में मुझे आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी ने, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी ने और हमारे सभी पार्टी के नेताओं के सहयोग से मुझे अभी मौका मिला और आप सबने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सुठालिया के क्षेत्र के लिए, आसपास के लिए, सुठालिया शहर के लिए पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। कभी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चुनाव में दो लोग लड़ते हैं, हार जीत होती है। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र का, मैं विश्वास दिला दूं मंच पे खड़ा होके, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे फलानी जाति का है तो उसका काम नहीं करूंगा। चुनाव तो कोई ना कोई लोग लड़ते ही, सभी लोगों को ईमानदारी के साथ सबको साथ लेकर के चलूंगा, कहीं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। चुनाव हो गए, भूल गए किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, हम कोई से पूछने वाले नहीं है कि मुझे वोट दिया नहीं दिया या इस मोहल्ले से कम वोट मिला या फलानी गांव से कम वोट मिला, ये बात यही खत्म होगी। चुनाव के बाद में सभी हमारे परिवार के लोग, सब लोगों के विश्वास से मैं जीता हूँ और सभी समाज, कोई भी समाज है, सोदिया समाज हो या गुजर समाज है, कोई भी सोचे ये नहीं सोचे कि यार हम लोगों से कहीं भेदभाव करेगा, ये विश्वास दिला दूं सबको एक समान देखूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा, सबके साथ ईमानदारी से काम करूंगा और जो भी क्षेत्र का जो भी काम होगा मेरे लायक हर स्तर पर ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे सरकार हो या ना हो। लेकिन ये विश्वास दिला दूं कि हम हर छोटी मोटी लड़ाई आपके बीच में रहकर लड़ाएंगे। जहां भी लोगों को दिक्कत होगी उनके साथ खड़ा रहेंगे, चाहे सड़क पर आना पड़े तो सड़क पे भी रहेंगे और जहां भी आपको जरूरत लगे हम लोगों को फोन करके बताइए। हमारी पार्टी के सभी लोग सक्षम है, विधायक पूर्व विधायक जी है, जनपद अध्यक्ष जी है, भाई मोहन जी है, सरजन सिंह है, सब लोग पूरे मिल करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।